वेलकम बैक टू चैनल वंस अगेन। सो फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग में आपने देखा कि मैं जयपुर से गया, लगभग 27 घंटे से ज़्यादा ट्रैवल करके गाड़ी चलाकर पहुंचा हम लोग दो लोग। तो अब हम बारी है यहाँ पर होम टाउन में कुछ प्लेसेस को एक्सप्लोर करूँगा मैं। तो उसी के तहत आज मैं जा रहा हूँ एक नया वाटर पार्क में घूमने, क्योंकि गया में एक वाटर पार्क खुला है, लगभग हो चुके हैं कुछ महीने हो चुके हैं। तो आज मैं जा रहा हूँ उसे एक्सप्लोर करूँगा, सारी डिटेल आपको दूंगा, वहाँ मस्ती मजाक जो भी होगी सब कुछ वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आप बस मेरे साथ राइड को एंजॉय कीजिए और बाकी ब्लॉग के साथ बने रहिए। सो फ्रेंड्स, अभी मैं जस्ट निकला घर से निकलने के बाद भी मैं अपने भाई का वेट कर रहा हूँ। थोड़ा सा पेट्रोल मैंने लिया, एटीएम गया और बस यहाँ पर आ चुका हूँ। यहाँ पीछे एयरपोर्ट है, यहाँ पर मेरा छोटा भाई आ रहा है, यहाँ से हम लोग दोनों साथ चलेंगे, क्योंकि वो जो वाटर पार्क है वो देखिए वो सामने आ रहा है यहाँ पे। तो ये देखिए यहाँ पे चलता हुआ आ रहा है वो, तो हम लोग चलेंगे अभी साथ में, क्योंकि जो इतने पासेस वगैरह सब उसी के पास है। तो चलिए अब देखते हैं क्या क्या होता है। तो गाइस, अभी मैं आ चुका हूँ, बहुत ही धूप है, बहुत ही गर्मी है और मैं फाइनली वाटर पार्क आ चुका हूँ। और ये गया सिटी से लगभग 7-8 या 10 किलोमीटर के आसपास होगा, मतलब अराउंड ही में है, विद इन गया सिटी है। तो बोधगया से थोड़ा सा आगे बढ़ने पे आप इसे राइट हैंड साइड में रास्ता जाता है, तो वहाँ से आप आ सकते हैं। तो मैं आपको बैकग्राउंड पीछे का पूरा डिटेल अभी देने वाला हूँ, तो पहले दिखा देता हूँ यहाँ का नज़र। ये देखिए यह वाटर पार्क, और इसके अलावा कुछ नहीं है, आपको पूरी तरह से चारों ओर से खेत खलिहान गांव में दिखेंगे। तो चलिए इसके अभी टिकटिंग वगैरह देखते हैं और क्या क्या यहाँ पर है, मैं दिखा देता हूँ आपको। इधर पार्किंग, इधर में पार्किंग और एंट्रेंस सामने है, यहाँ पर एंट्रेंस है, यहाँ पर एग्जिट है, और प्राइसिंग वगैरह फिर मैं थोड़ा देर में देता हूँ डिटेल। तो ये है टिकट काउंटर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो कि आपको मेन गेट से राइट हैंड साइड में आपको पड़ेगा, यहाँ पर पार्किंग के पास, स्कूटर पार्किंग। तो यहाँ टिकट की प्राइसिंग ऐसे है, अगर आप इवन में आते हैं 2, 4, 6, 8 के पेयर में आते हैं तो आपको 200 रुपये पर हेड लगेगा, अदरवाइज आपको 400 पे करने पड़ेंगे। और ये इसकी वो है एंट्री टिकट, मैं आपको दिखाता हूँ। ये बैंड लगाने के बाद आप डायरेक्ट अंदर आ सकते हैं यहाँ पर, और फिर आपको अपने कॉस्ट्यूम्स लेने होंगे तो आपको 50 रुपीज़ पे करने होंगे। यहाँ पर उसका लॉकर सिस्टम है, मैं आपको दिखा देता हूँ, 50 रुपीज़ आपको देने पड़ेंगे यहाँ एंट्री कराने के बाद। ये देखिए, तो 50 रुपीज़ आपको कॉस्ट्यूम चार्जेस हैं, और यहाँ पर मैं अपना एक कॉस्ट्यूम लेता हूँ, उसके बाद फिर आपसे मिलता हूँ। अभी हम लोगों ने सब कुछ कर लिया है और यहाँ पर सब कुछ हम लोगों ने जमा कर दिया है, एवरीथिंग हमारे पास जो भी था सब कुछ हम लोगों ने जमा कर दिया है। बस अब कॉस्ट्यूम लेने वाले थे, कॉस्ट्यूम दिया नहीं हमने, तो अभी इसे अपने कॉस्ट्यूम पर जाएंगे, वो चलते हैं घर और लॉकर में सारे सामान डालकर और लॉकर सिस्टम लिया है, और फिर हम जाएंगे वाटर पार्क में। तो यहाँ पर आप चाहें तो अपना कॉस्ट्यूम लेकर आ सकते हैं, मैं जैसे कि मैं अपना कॉस्ट्यूम में हूँ, इसी में खेलूँगा कूदूँगा और फिर चला जाऊँगा। और पीछे चेंजिंग रूम वहाँ पर है,
और जो प्राइसेज है वो तो मैंने बता दिया है, अगर आप पेयर में आते हैं तो आपको कम पैसे लगेंगे, अगर सिंगल आते हैं तो आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे। तो ये देखिए रोलर कोस्टर वगैरह सब है यहाँ पर। तो चलिए इन्जॉय करते हैं, और बाकी अब कोई डिटेल वगैरह तो सब कुछ दे ही चुका हूँ, बस अब इन्जॉय करते हैं। अभी हमने सारी चीज़ें चेंज कर दी यहाँ पर और जा रहे हैं वाटर पार्क की तरफ। बहुत ही गर्मी लग रही है नीचे से, ये देख सकते हो पूरी ये ज़मीन गर्म है। तो लेट्स एंजॉय। ये ना 30 मीटर का प्रेशर है। तो मैं तो अभी चश्मा पहना हुआ हूँ, देखता हूँ चश्मा को कहाँ रखना है और फिर एंजॉय करते हैं। बहुत ही ठंडी पानी है। तो अभी बस कूदने की तैयारी करते हैं। स्पॉट ढूंढता हूँ मैं, क्योंकि मुझे ठंड लग रही है अभी से ही। पीछे बैकग्राउंड देख सकते हैं पूरी तरह से। तो मिलता है तभी बताता हूँ आपको।
बहुत ही मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा और बहुत ठंड लग रही है। मैं बहुत कैमरा लेकर आया हूँ सो दैट थोड़ी सी तो मैं रिकॉर्ड कर सकूँ। और बहुत ही ज्यादा साउंड आ रही है, बहुत ठंड लग रही है। देखिए तो यहाँ पे बहुत ही मस्ती आ रही है हम लोग को। अभी मैं बोल नहीं पा रहा जिस पर मैं, बहुत ठंड लग रही है जा रहे सकते शॉप में और बहुत ही ठंड लग रही है। चलो ऊपर चलते हैं। बहुत ही ठंड है। सो गाइस अभी हम लोग घूम फिर लिए हैं, सारा वाटर पार्क का कहानी ख़त्म हो चुका है और एक इंसिडेंट भी हो चुकी है मेरे साथ, मेरे जो जूते हैं वो गायब हो चुके हैं। और इस वाटर पार्क का बहुत ही फर्स्ट इंप्रेशन बैड इंप्रेशन हो चुका है। अभी मैं बाइक चलाते चलाते ब्लॉगिंग कर रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ एक्शन कैमरा भी बैटरी में पानी चला गया, क्या हो गया पता नहीं, ऑफ है, उसे भी ऑन करना पड़ेगा। तो अभी मैं दिखा देता हूँ, मैं ये देखो मैं स्लीपर्स में जा रहा हूँ और जूते तो अब है नहीं, एक तरह से समझिए कि यहाँ चोर ही भरे पड़े हैं। तो कोई नहीं, इतना तो होता जाता रहता है। तो चलिए आज जाकर फिर से नए जूते लेने होंगे। और अगर मेरे सच में पकड़ा जाता, मेरे पास राइडिंग शूज़ होता तो उसका सर फोड़ देता मैं उसके आगे वाले बट से। तो कोई नहीं, चलते हैं अभी घर की तरफ और फिर मैं इस वीडियो को एंड करूँगा। देखता हूँ जितना रिकॉर्ड हुआ वो आता है कि नहीं आता, वो सब मैं घर जाकर देखूँगा, फिर चलते हैं घर।
Yeah.